मीठा सबको खाते हैं विषे लागे धाय, नीमन कोई पावसी सब रोग मिट जाए। मिष्ठान्न देखते ही मन ललचाता है, ये जानते हुए कि उसका अति सेवन अनेक रोगों का मूल है, सभी उसे चाव से खाते हैं। इसके विपरीत नीम के औषधि गुणों को जानते हुए भी उसके कड़वे स्वाद के कारण उसे नापसंद करते हैं, उससे परहेज करते हैं। संत कबीरदास जी इन्हीं उदाहरणों से समझाते हैं कि वो सारी चीजें जो हमारे विनाश का कारण बनती हैं, वे सभी हमें आकर्षित करती हैं, अच्छी लगती हैं। मोह माया में मदमस्त होकर जो हमारी पंचेंद्रियों को पसंद है, अच्छा लगता है, वही हमें भाता है। फिर वो झूठी प्रशंसा हो, झूठा प्रेम हो, बढ़ाई हो, अपना अहंकार ही क्यों ना हो, लोभ लालसा माया मोह में ये अच्छे लगते हैं, पर ये हमारे विनाश का कारण बनते हैं। और इसके विपरीत अपने हित की बातें, सच्चाई, सज्जनता, अपनी निंदा इत्यादि हमें कड़वी लगती है, इनसे हम दूर भागते हैं। और यही हमारी उन्नति का, हमारी समस्त समस्याओं के निवारण का वही मूल है। कैसी विडंबना है, हम सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। आइए सही चुनाव करें, कड़वे अनुभवों से जीवन का अमृत बनाकर उनसे सीख लें, अपने को सक्षम बनाएं, योग्य बनाएं। ऊपरी आवरणों और आडंबरों की बजाय हम आंतरिक गुणों को समझें और जानें, और छलावों में ना फंसें।